जगत आखो क्षणिक छे ने आत्मा एक नित्य छे चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र भगवान आत्मा अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा हूँ। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होकर भी मैं अखंड हूँ। प्रत्येक प्रदेश ज्ञान रस से परिपूर्ण है, ऐसा मैं भगवान आत्मा हूँ। अनंत परमाणुओं का पिंड यह देह, जिसमें चैतन्य तत्व का प्रवेश ही नहीं होता, ऐसा अनादि अनंत अखंड एक न्यायक भाव में जगत को जानता हूँ, फिर भी जगत में कहीं भी नहीं हूँ, और जगत जानने में आता है, फिर भी जगत मुझ में कहीं भी नहीं है, ऐसा मैं भगवान आत्मा जग से न्यारा, मैं चैतन्य मात्र हूँ। मैं चैतन्य तत्व इस राख की दीवार का पड़ोसी हूं। अनंत परमाणु आत्मा के एक क्षेत्र पर आए और गए, फिर भी उन परमाणुओं के कारण मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरी सत्ता नहीं है। मैं स्वयं के कारण हूँ, मैं स्वयं परमात्मा स्वयं के कारण हूँ।
मैं मांस नहीं हूं, मैं खून नहीं हूं, मैं हड्डी नहीं हूं, मैं चमड़ी नहीं हूं और इसलिए यह देह भी मैं नहीं हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। यह देह एकमात्र वस्त्र है और इस वस्त्र को मैं ऐसे ही देखूं जैसे बाहर कपड़े को देखता हूं। पड़ोस में वास करने से पड़ोसी मेरा नहीं हो जाता, मैं चैतन्य तत्व। निरंतर जानता जानता जानता, जानने रूप परिणमित होकर भी ज्ञान में टिककर रहने वाला मैं भगवान आत्मा हूं। पानी बहकर के भी पानी पानी ही है, मैं जानने 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 इन परिणमन में भी मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, मैं चैतन्य मात्र हूं। मैं एक समय की पर्याय के लिए नहीं, मैं एक समय की पर्याय मात्र नहीं, एक समय का मेरा अस्तित्व नहीं, मैं विराट अस्तित्ववान भगवान आत्मा हूं। ऐसे विकल्पों से भी मैं न्यारा हूं। मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जो ये विकल्प, वो विकल्प भी मैं नहीं हूं, वो विकल्प भी चैतन्य महल के पड़ोस से गुजरता है। ये विकल्प भी चैतन्य महल के पड़ोस से गुजरता है कि मैं भगवान आत्मा हूं। उन विकल्पों की भी मुझे रुचि नहीं, उन विकल्पों में भी मेरा अपनापन नहीं, मेरा एकत्व नहीं, उन विकल्पों में भी मुझे सुख बुद्धि नहीं, उन विकल्पों में भी एक समय के लिए मैं सुख को न मानूं कि उन विकल्पों में मैं कहीं भी हूं। दृष्टि का जोर चैतन्य तत्व पर, मैं त्रिकाल चैतन्य तत्व हूं। एक समय का ये जो जानने का कार्य हो रहा है ये मैं नहीं हूं, उस जानने के कार्य में अंदर उसके अंदर जाकर के देखने पर वो त्रिकाल कुछ टिक करके रहने वाला ऐसा पाते हैं, मिलता है, वही मैं हूं। मटके की गहराई में देखने पर मिट्टी ही दिखाई दी, जो मटके में भी अंदर गहराई में देखा तो त्रिकाल टिक कर रहने वाला दिखाई दिया। जानने की पर्याय में वो त्रिकाल टिककर रहने वाला ये भगवान आत्मा, बस यही मैं हूं। निराकुल शांत अवस्था की प्राप्ति हुई, मगर वो भी मैं नहीं, उस पर भी दृष्टि तो नहीं चाहती, क्योंकि वो पर्याय है, वो बुंद है, वो मैं बुंद नहीं हूं, मैं सागर हूं। मैं बिंदु नहीं हूं, मैं रेखा हूं, मैं त्रिकाल, यही चैतन्य तत्व, यही मैं हूं। ये जो अनुभव, यही मैं हूं, यही मैं हूं।
निरंतर ये जागृति बनी रहे। एक समय की पर्याय में त्रिकाली द्रव्य ऐसा समा गया जैसे एक छोटे से दर्पण में, दर्पण के सामने हजारों पदार्थ रखे हो तो छोटे से दर्पण में समा जाते हैं। विराट अस्तित्ववान त्रिकाल ऐसा सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा एक समय की पर्याय में वह अनुभव में आया। एक समय की पर्याय ने सारे त्रिकाल सत्ता स्वरूप द्रव्य को पी लिया, उसका रस चखा, वो पर्याय पर्याय उस द्रव्य में ऐसी अभेद हुई, वही निर्विकल्प अनुभूति है। यह भगवान आत्मा यही मैं हूं, जो भी ज्ञेय जानने में आते हैं, ज्ञेय में ज्ञेय नहीं, ज्ञेय में ज्ञान ही जानने में आता है। पदार्थों को जानते समय भी पदार्थों को जानने वाला कौन है उस पर ही ध्यान जाता है, उस पर ही ध्यान जाता है, उस पर ध्यान जाता है, परंतु उस ध्यान पर भी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो ध्यान भी नया आया, वो मैं नहीं हूँ। वो जिस पर ध्यान गया वही चैतन्य तत्व, वही भगवान आत्मा, वही मैं हूँ। यही मैं प्रति समय यह जागृति बनी रहे, चैतन्य तत्व की यह जागृति प्रति समय बनी रहे। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। जागृति ही था, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। Oh.